अखिलेश और माया ने मोदी को ट्वीट करके तंज कसते हुए पलटवार किया है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने क्या ट्वीट किया और उसका क्या मतलब अखिलेश यादव ने निकाला, मायावती ने निकाला, वो दोनों ही बातें आपको बहुत बारीकी से बता रहे हैं। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को टैग करके पीएम मोदी ने जैसे ही एक ट्वीट किया, उसके बाद तो सोशल मीडिया पर मोदी वर्सेस माया अखिलेश शुरू हो गया और कुछ ही देर बाद मोदी का साथ देने के लिए ट्विटर पर सीएम योगी भी आ गए और माया अखिलेश पर ट्विटर अटैक कर दिया। सबसे पहले पीएम मोदी ने मायावती, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार और एमके स्टालिन को टैग करके एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने सभी नेताओं से वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को चुनाव के लिए प्रेरित करने की अपील की। वोटिंग परसेंटेज तो बाद में बढ़ी, लेकिन मोदी के ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर हलचल जरूर बढ़ गई। मोदी के ट्वीट का जवाब देते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट कर दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि दिल खुश हो गया है कि मोदी जी ने महागठबंधन से भी महापरिवर्तन की अपील की है। अखिलेश ने लिखा कि वो ज्यादा से ज्यादा नागरिकों से अपील करते हैं कि वो मतदान करें और देश में नया प्रधानमंत्री चुने। अखिलेश के बाद अब बारी माया की थी। मायावती ने भी मोदी पर तंज कसते हुए लिखा कि कंबल ओढ़कर घी पीने में माहिर बीजेपी ना भूले कि सैनिकों की वीरता और उनकी शहादत को देश ने हमेशा ही सैल्यूट किया और भरपूर आदर और सम्मान दिया है, लेकिन बीजेपी की ही हुकूमत में देश की सुरक्षा को सबसे ज्यादा खतरा और सैनिकों की काफी ज्यादा शहादत हुई है। मायावती ने ट्वीट पर सवाल पूछते हुए लिखा है कि क्या देश सुरक्षित हाथों में है। सपा बसपा को आड़े हाथों लेते हुए सीएम योगी ने भी ट्वीट किया और कहा कि सपा बसपा को जिताने का मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। योगी ने लिखा कि यूपी की जनता जागरूक है, जानती है और अब ऐसा कभी नहीं करेगी। योगी ने एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अपने घर से बाहर निकले तो गांव के घरों की सच्चाई जाने। सीएम योगी ने लिखा कि अगर वो सच्चाई बता दे तो अखिलेश मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। फिलहाल अभी चुनावी रैलियां तो शुरू नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया पर वॉर जरूर शुरू हो गया है, जो फिलहाल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। अब देखिए, चुनाव का वक्त आ गया, महज 28 दिन बचे हैं पहले चरण के चुनाव में। ऐसे में वार पलटवार का दौर तो शुरू हो जाएगा और शुरू हो भी गया है। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर